हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं देव बत्रा पश्चिम बंगाल से आज आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा खुद अपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ, और आपको कुछ मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि आज के डेट पर सभी जो है अपने अपने बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं और सभी जो है अलग अलग बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक जो चीज़ है वो ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास, आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो या चाहे नॉन वर्किंग प्लान कर रहे हो या वर्किंग प्लान कर रहे हो, सभी प्रोग्राम्स में अभी को जो है लीड चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम जो है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होता है मार्केट पर, और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में तभी जाके आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो जब आपके पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो, और जाके आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके बाद में आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ह्यूज़ और बहुत अच्छा अर्निंग करना है और आपका जो है ड्रीम्स है और ड्रीम्स को पूरा करना है, तो दोस्तों लीड, रेफरेंस, ज्वाइनिंग, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो, क्योंकि मेन जो होता है कि रेफरेंस होता है। लोगों के पास जो है रेफरेंस नहीं है, लोगों के पास ज्वाइनिंग्स नहीं है, तो लोग कैसे अर्निंग कर पाएंगे। लोग ज़्यादातर प्रोग्राम्स देख के ही घुस जाते हैं उसके अंदर। कोई भी अच्छा प्रोग्राम लगता है, उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद आता है, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। लेकिन वो लर्निंग जो आपको सीखना चाहिए पहले ही है, कि आप तो ज्वाइन कर लिए सही है, कोई बात नहीं है, इसमें सही है सब कुछ, लेकिन आपके पास लोग आएंगे कहाँ से अगर आपके पास कोई लीड ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो है स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं जो है यही कुछ बताऊंगा एक छोटा से वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को दोस्तों पूरा देख के जाइए, ताकि कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से सीख पाए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की और पहली बात है फेसबुक, ठीक है ना। तो फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी मैंने दो तीन वीडियो बनाए हैं, दो तीन ट्यूटोरियल बनाए हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टच करूँगा और कुछ नया नया सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करूँगा। तो पहला है फेसबुक। देखो दोस्तों, अभी बहुत लोग क्या करते हैं ना, फेसबुक पे भी प्रमोशन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो आप प्रोग्राम्स कर रहे हो वो पोस्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे लीड नहीं आ रहा है, वहाँ पे रेफरल नहीं आ रहा है, वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि हम लोगों के साथ, हम लोग जो फेसबुक चला रहे हैं, जो हमारा फेसबुक है, ठीक है ना, पहली बात तो वो जेन्युइन होना चाहिए। आपका प्रोफाइल पिक्चर जेन्युइन होना चाहिए, सब कुछ वहाँ पे जो है एकदम जेन्युइन होना चाहिए, ताकि जो भी आपको पोस्ट देखे अच्छा लगे, उसके बाद आपको प्रोफाइल विजिट करेगा। तो प्रोफाइल में अगर कुछ इधर उधर का पिक्चर है, आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग उसको छोड़ देते। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो है सब कुछ डाटा जो है वहाँ पे सही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग, ज़्यादातर लोगों के फेसबुक के अंदर पूरा दोस्त सर्कल या रिलेटिव्स भरे पड़े रहते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है हम लोग क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो है वो ज्ञान ही नहीं है कि ये सब क्या है। उनके पास ये सब फेक लगता है या कुछ गलत लगता है, या उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात, हम लोग को क्या चाहिए ना, टारगेटेड ऑडियंस। हम लोग पोस्ट क्यों कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग को लीड चाहिए, नया बंदा चाहिए ज्वाइनिंग के लिए, तो वो आता नहीं है। तो सबसे पहले कि आप ये करो कि आपको जो है, मैंने पहले भी बताया था कि ग्रुप्स, ऑनलाइन अर्निंग रिलेटिव ग्रुप्स पे जाओ, वहाँ पे आईडी, वहाँ पे जो है नया नया डेली ग्रुप्स ज्वाइन करो और अपना पोस्ट जो है शेयर करो, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सेकंड थिंग कि अगर आप किसी को फॉलो करते हो या जानते हो कि भाई ये बंदा जो है एक्टिव रहता है और फॉलोअर्स उनका बहुत है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो सिंपली उसको जो है उनका जब भी वो पोस्ट डाले, तब वो पोस्ट पर आप जाओ, उसका देखो क्या क्या कॉमेंट आ रहा है, ठीक है, मतलब उस रिलेटेड कमेंट आ रहा है, ठीक है, अर्निंग रिलेटेड कमेंट आ रहा है, तो सिंपली उनको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। ऐसे करके धीरे धीरे अपना फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादातर लोग वही होना चाहिए जो लोग ऑनलाइन में अर्निंग कर रहे हैं या ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, तो ही जाके हम लोग को बाद में फ्यूचर में काम में आएगा, ओके। और उसके बाद क्या है ना कि फ्रेंड्स बनाओ, और इस तरीके से लोगों को स्पैम मत करो। बहुत लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली उसको लिंक सेंड कर देते, तो ऐसा कभी भी मत करो, और टैग भी कर देते हैं फेसबुक पे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले तो उनको हाय हेलो भेजो, उसके साथ थोड़ा बहुत बात करो, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम्स के बारे में शेयर कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे जो है आपको धीरे धीरे फेसबुक में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, ओके। उसके बाद बात आता है व्हाट्सएप की। अभी व्हाट्सएप पे भी मैंने वीडियो बनाया, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सभी ये जो गेम्स है ना, ये गेम है नंबरों का। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट,
जितना ज़्यादा लोगों का नंबर आपके पास रहेगा, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे। मैंने कुछ दिन पहले एक फ़ोन खरीदा था, जो इस फ़ोन से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैंने डाटा ट्रांसफ़र किया था दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल पे, तब मैंने देखा 10,000 प्लस नंबर्स है मेरे इस मोबाइल में अभी भी रिकॉर्ड। ओके, तो ये रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हो, मतलब रिकॉर्ड मतलब उन नंबर्स जो लोग ऑनलाइन में अर्निंग कर रहे हैं या उनको ऑनलाइन में इंटरेस्ट है, उन लोगों का नंबर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब भी आपको कोई कॉल्स आता है या कुछ आता है ऑनलाइन से आपके प्रोग्राम के रिगार्डिंग आ रहा है, वो चाहे आपके साथ जुड़े या ना जुड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका नंबर हमेशा आप सेव करके रखो, नाम से, स्टेट से, और साइड में कुछ ऑनलाइन ऐसे लिख दो ताकि आपको वो याद रहे। और सारा का सारा डाटा जो है आप व्हाट्सएप पे एक फीचर से ब्रॉडकास्ट बोल के तो उसमें डाल दो, कि धीरे 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 जो है, देखो अभी आप जो प्रोग्राम कर रहे हो सकता है वो बंदा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फ्यूचर में जो आप प्रोग्राम करोगे हो सकता है वो उनको अच्छा लगे, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन, आपका वीडियो, आपका बिजनेस उन तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ यही है। तो इसलिए जितना ज़्यादा डाटा, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, उतना ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जाके आप बहुत अच्छा लीड, रेफरल, ज्वाइनिंग ला सकते हो। दोस्तों, 3 नंबर पॉइंट मैं छोटा छोटा ही करके आपको एग्जांपल ही दूंगा, लेकिन नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, और आई थिंक मुझे पता है कि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो कोई पसंद नहीं करते। तो 3रा नंबर है कि यूट्यूब इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, अभी हम लोग को इतना अच्छा मतलब इधर से प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाना फ्री है। आप कोई भी यूट्यूबर को जाके, अच्छे यूट्यूबर को जाके फॉलो करो, और उन्होंने बहुत सारा वीडियो भी बनाया है, तो देख के जो है आप एक यूट्यूब चैनल बना लो, क्योंकि YouTube चैनल भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हम लोग फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं। और हमेशा वीडियो बनाओ अपने फेस के साथ, ताकि लोगों को रियलिटी लगे और लोग आपको पसंद आए। सबसे पहले जो लोग भी नया नया YouTube स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी तो आपको पता है कि 1000 सब्सक्राइबर या कुछ मिनट्स का अभी लिमिटेशन दिया गया है, टारगेट दिया गया है, तो वो सब में आप मत पर, वो सब चक्कर में मत पर, वो जब होगा तो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपका YouTube चैनल का अगर सक्सेसफुली आप रन करना चाहते हो, तो एक टारगेट रखो, एक महीने में डेली दो वीडियो आप बनाओ, या चाहे डेली एक वीडियो पहली, अगर आप उस 1000 सब्सक्राइबर को पाना चाहते हो, तो टारगेट रखो एक महीने में 30 या 50 आप वीडियो बनाओ। वीडियो कौन सा बनाओगे, क्या बनाओगे, अभी जो प्रोग्राम कर रहे हो या कुछ भी आपके साथ एक्सपीरियंस है ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड, आप वीडियो बना सकते हो, क्योंकि हम लोगों का चैनल ही है ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड। तो आप कुछ ऐसा बनाओ, उस रिगार्डिंग कभी भी आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको आराम से उस टाइम पर समझा दूंगा क्या क्या करना है आपको। लेकिन आपको यूट्यूब पर आना है, ये फैक्ट है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि बेसिकली बहुत सारा देशों से मतलब YouTube को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इंडिया में, और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग देखते हैं YouTube को। तो इधर एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोगों के पास, कि यहाँ से जो है आपको देश विदेश या इंडिया से ही बहुत सारा फैसिलिटीज़ या लीड्स मिलेगा, ज्वाइनिंग मिलेगा आपको। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा रहा, आपका समझाना अगर अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो लोग आएंगे डेफिनेटली, लेकिन ये भी थोड़ा सा धीरे धीरे आएंगे उस प्रोसेस में। और एक चीज़ जो मेन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी फील्ड में गुरु चाहिए, कोई भी फील्ड में जो है गुरु चाहिए जो आपको एडवाइस दे, जो मेरे को एडवाइस दे। मेरा भी कुछ गुरु है, जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी में काम किया था उस टाइम पे मेरा एक गुरु था। हाँ, ये हो सकता है, ये डेफिनेटली है कि उनके साथ कभी बात नहीं हुआ, ना मैंने उनके प्रोग्राम्स किए, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी जो है उनका वीडियो देखता रहता हूँ, तो कुछ है। और उसके बाद जब भी हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इसका भी 2-3 गुरु है जो है उनका फॉलो मैं हमेशा करता हूँ, उनका वीडियोज़ मैं हमेशा देखता हूँ। एक चीज़ कैच कीजिएगा समझिएगा, चाहे आपका गुरु जो बोलो या जिसको आप पसंद करो उसका जो वीडियो देख रहे हो, ऐसा मतलब है नहीं कि वो जो भी प्रोग्राम करेगा या मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे जो लोग मुझे पसंद करते हैं सभी प्रोग्राम मेरे साथ करना है, ऐसा नहीं है। आपको चूज़ करना है खुद को क्या आप करोगे। अच्छा अच्छा चीज़ आप अपने आप लिए निकाल लो, और जो आपको ख़राब लगता है उसको छोड़ दो, क्योंकि गुरु होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। आप सुनोगे सही से, उनको फॉलो करोगे। देखो, एक चीज़ बहुत ही ईजी है, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको पैसा अर्निंग करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट आप उन लोगों को फॉलो करो जो लोग आज के डेट पे बहुत अच्छा पोजीशन पे या अर्निंग कर रहे हैं। वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनको जो है इतना सक्सेस मिल रहा है। उनके साथ बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ
मतलब उनसे एडवाइस लो। देखो एडवाइस लेना कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं अपने आप को गुरु नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत ही छोटा सा एक इंसान हूँ, लेकिन हम लोग के यूट्यूब पे बहुत सारा लीडर्स हैं, तो जो लोग भी आज के डेट पे बहुत सक्सेस है उनको फॉलो करो, वो कैसे काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इतना कुछ जो उनको इतना सारा रेफर मिल रहा है एक दिन से तो नहीं, वो आपको गाइड कर देगा। और इस तरीके से अगर आप काम करोगे यूट्यूब पे तो आपको डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद और भी कुछ टिप्स है, जैसे आपका खुद का वेबसाइट होना या लैंडिंग एक पेज क्रिएट करना, उसके लिए थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल का प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग सभी जो है फेसबुक के यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप के यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम लोग इस प्लेटफॉर्म को, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ओवर वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड से देखा जाता है, कोई भी सर्च कर सकता है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म को हम लोग क्यों मिस करते हैं। तो सभी जो है एक्टिव हो जाओ अपने फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे और यूट्यूब पे, और अर्निंग करो, बहुत अच्छा अर्निंग करो। ये नहीं कि सब प्रोग्राम आपको करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये सब, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी आप एक प्रोग्राम से, अगर आपका टारगेट है ऑनलाइन से आप अर्निंग करोगे, तो कभी भी एक प्रोग्राम सिलेक्ट करके उसके पीछे दिन रात मत भागो, ओके। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, आपका थिंकिंग अलग हो। मेरा मानना ये है कि हमेशा दो या तीन प्रोग्राम करते रहो, ताकि ऑनलाइन है कोई भी भरोसा नहीं है, कि कोई भी प्रोग्राम बंद हो जाए तो आपका अर्निंग बंद नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ क्या है ना, अर्निंग है। आप तीन प्रोग्राम कर रहे हो या चार प्रोग्राम कर रहे हो, मैक्सिमम तीन प्रोग्राम कर रहे हो, एक प्रोग्राम बंद भी हो जाता है तो भी आपको अर्निंग आएगा इस दो लाइन से। ऐसा नहीं करना है कि एक ही प्रोग्राम कर रहा है, सब कुछ एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, एक ही जगह पे टारगेट मतलब फोकस करके काम करना है, नहीं, दो तीन प्रोग्राम करना है, ताकि इन फ्यूचर जाके कुछ भी प्रोग्राम ड्रॉप आउट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बंद हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो दो जो प्रोग्राम है वो आपको फिनेंशियली स्टेबल रखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपको बहुत अच्छे से, बहुत दिमाग लगा के सर्च करके या बहुत अंदर तक घुस के आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। और आई थिंक आप मेरे साथ हो, तो मैं डेफिनेटली, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कुछ दिन बाद इस महीने में, नहीं तो नेक्स्ट महीने में फर्स्ट वीक में जो है आप लोगों के साथ बहुत बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूँ, तो हो सकता है तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हो। बाकी जितना भी मेरे से बोलना था मैंने बहुत शॉर्टली आपको बताया, अगर आपको बहुत और भी कुछ जानना है तो पर्सनली आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैं आपको जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको गाइड करूँगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो को आपने सीरियसली लिया और इस बातचीत जो मैंने किया उसके ऊपर आप काम करें, तो डेफिनेटली आपको रेफरेंस ज़रूर आएगा, ये मैं 1000% श्योर बता सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था या जब मैंने Facebook पे प्रमोट करना शुरू किया था, कुछ मतलब 2-3-4 महीने तक तो मेरे को कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैंने जो आपको बोला, जो गुरु होता है, तो कुछ कुछ मेरा भी गुरु है, तो उनको फॉलो करता हूँ, उनका बात मानता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि ज़िंदगी में मैंने उनके साथ बाई फोन बात नहीं किया, वो मेरे को पहचानते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखता रहता हूँ, सीखने का कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड सीख सकते हो किसी से भी। हाँ, अच्छा चीज़ आपको लेना है, बुरा चीज़ निकाल के फेंक देना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको खराब लगा कुछ भी तो बंदे को गाली देना है, ऐसा नहीं है। चलो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे 2 दिन के बाद और एक वीडियो बनाएंगे, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ये फ्री है। और इस चैनल पे आपको बहुत सारा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है, फ्यूचर में भी मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि जो है मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आए वो आपको टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।